नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं गृहिणियों के काम की, जिसके बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि ना पैसा और ना नाम, ये शिकायत गृहिणियों की रहती है। लेकिन अगर हम इसको पैसे से जोड़कर देखना चाहें या जो गृहिणियाँ काम करती हैं उसको रियल इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर बनती है, ये कोशिश की है इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की, जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की एफएलओ ने। और उन्होंने एक राउंड, कई राउंड टेबल्स किए और एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि कैसे ये जो केयर सेक्टर है, ये जो केयर वर्कर्स हैं जिनमें घर में गृहिणियाँ हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, इन तमाम को अगर एक खास सेक्टर माना जाए केयर सेक्टर और उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाए, उसमें कुछ इस तरीके से इंटरवीन करने की कोशिश की जाए ताकि वो इकोनॉमी का पार्ट बने, जेंडर इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करें, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, तो ये तमाम एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है फिक्की ने, फिक्की के लेडी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उस पर भी हम बात करेंगे और बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गृहिणियों का जो काम है वो हमारे लिए वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इकोनॉमिक है और कितना पोटेंट है, उसमें क्या कुछ हो सकता है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। पहले आपको अपने एक्सपर्ट से मिलवा दें, जीनियस कंसल्टेंट्स के सीएमडी आरपी यादव को हमने बुलाया है, वो बताएंगे कि वर्कफोर्स में स्थिति क्या है और कैसे चेंजेस आ सकते हैं। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी मेंबर आरती गुप्ता हमारे साथ हैं और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी भी हमारे साथ होंगी। शुरुआत आरती आपसे करते हैं, जो ये प्रयास है या जो ये सोच है, बुनियादी तौर पर ऐसा लगता है आपकी रिपोर्ट्स को देखकर कि जो घरों में महिलाएं हैं और जो जिसको हम आप कह रहे हैं केयर वर्कर्स, यानी उनके साथ जो लोग डोमेस्टिक हेल्प वगैरह, अगर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, मतलब एक वैल्यू बनेगा और समझ में आएगा आम लोगों को भी कि घर में काम करने वाली जो घर संभालने वाली महिला है उसके काम का आर्थिक योगदान मोटा मोटी क्या हो सकता है। ये एक तरीके से आज भी दिख रहा है कि अगर आप घर में काम वाली बाई को रखते हैं बर्तन के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, तो वो क्या वैल्यू वहाँ क्रिएट कर रही है, यानी उसकी तनख्वाह जितनी है उतना उस काम का वैल्यू माना जा सकता है। बेसिक फिलॉसफी यही है इसके पीछे। जी नमस्ते। तो एक्चुअली सबसे पहले जरूरी है समझना कि केयर इकोनॉमी है क्या। सो केयर इकोनॉमी जो हम घरों में बच्चों की परवरिश करते हैं, घर की सफाई करते हैं, बड़ों की देखभाल करते हैं, वो सारे काम जो घर से जुड़े हैं वो केयर इकोनॉमी में शामिल होते हैं। अब केयर इकोनॉमी के दो हिस्से हैं, एक है अनपेड केयर वर्क, जो वह काम है जो पैसे के बिना किया जाता है, और दूसरा है पेड केयर वर्क, जो पैसे लेकर किया जाता है। अनपेड केयर वर्क वो है जो यू नो होम मेकर्स का काम होता है, आप माता पिता जो अपने बच्चों की का ध्यान रखते हैं, बच्चे जो अपने बुजुर्ग माता पिता का की देखभाल करते हैं, घर पर खाना बनाना आदि। जो पेड केयर वर्कर्स हैं वो हमारी काम वाली बाई, नर्सेस, ड्राइवर्स, कुक्स, ये सब है। आज अगर हमें हमारा प्रधानमंत्री का जो विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे ले जाना है और चाह रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि ये पेड केयर वर्कर्स और अनपेड केयर वर्कर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो अनपेड केयर वर्कर्स हैं, हम फिक्की फ्लो इतना पैशनेट क्यों है इस बारे में, क्योंकि ये पूरी केयर इकोनॉमी में करीब 70-80% जो लोग इस केयर इकोनॉमी का भार उठाते हैं वो है महिलाएं, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। और हम चाहते हैं कि जो अनपेड केयर वर्कर्स हैं उनके काम को रिकग्निशन मिले, उनके काम को सम सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट मिले। और जो पेड केयर वर्कर्स हैं, जो अभी हमारी काम वाली बाई हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर है और उसमें ना क्वालिटी अश्योरेंस होता है, लो वेजेस भी हैं, ना इनको इंश्योरेंस पीएफ मिलता है। तो हम चाहते हैं कि ये इनफॉर्मेलिटी भी खत्म हो इस सेक्टर में, ताकि जो केयर सीकर्स हैं
जिनको केयर की जरूरत है. आज मुझे अगर अपने घर में किसी की जरूरत है मेरे माँ बाप की देखभाल करने के लिए, तो मैं अगर किसी को हायर करना चाहूं तो वो क्वालिटी अश्योरेंस मिले. तो जो ये करंट मार्केट फेलियर है, जो ना ही इंडिया में वर्ल्ड वाइड है, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है जो फिक्की फ्लो ने लिया है विमेन एम्पावरमेंट का. हम 40 साल से महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और हमको पता है कि अगर हमें महिलाओं को और आगे ले जाना है यहाँ से, तो ये केयर इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत जरूरी है. जी रंजना जी, आपने इनकी बात सुनी होगी, आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, आप इसको कैसे, क्योंकि एक अप्रोच ये भी है, लोगों को लगता है कि भाई हमारे घर में घुस के आप उसको मार्केट से जोड़ रहे, इकोनॉमी से जोड़ रहे हो, ये फैमिली सिस्टम में एक तरीके का इंटरवेंशन है और बड़ी गड़बड़ इससे मच जाएगी. आपका क्या व्यू पॉइंट है महिलाओं गृहिणियों के कामकाज को लेकर और जो अप्रोच फिक्की फ्लो लेकर आ रहा है उसको लेकर? देखिए मनोज जी, थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी और उस पर काफी चर्चा विमर्श हम लोगों ने किया था कि जो काम घर के अंदर महिलाएं करती हैं, तो एक तो प्रोडक्टिव है, जो कि आप बाजार में बना बाजार ओरिएंटेड करते हैं या आप किसी उद्योग ओरिएंटेड करते हैं, और वो प्रोडक्टिव काम जो है उसका एक तरह से आपको मुआवजा मिलता है, जो काम जितने घंटे आपने काम किए जो भी आपकी उसमें. लेकिन जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड वर्क है, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसको पालना बड़ा करना, एक गृहिणी का जो काम है, घर के अंदर जो काम है, ये बेस ऑफ द इकोनॉमी होता है. अगर ये काम ना हो जो महिलाएं घर के अंदर करती हैं, जिसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती, जिसके लिए ना तो उसकी कोई गणना होती है, ना ही उसको कहीं भी हम लोग जोड़ते हैं कि काम है, बल्कि अक्सर आप महिलाओं से पूछेंगे तो कहेंगे आप क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं. तो ये जो एक कुछ नहीं करने वाला जो एक सोच है महिलाओं के काम के प्रति, महिला स्वयं भी ऐसे सोचती है और बाकी इकोनॉमिस्ट भी ये सोचते हैं और बाकी जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं वो भी यही सोचते हैं. तो ऐसे में ये जरूरी है कि जो बेस ऑफ इकोनॉमी का वर्क है, जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर खाना नहीं बना, सफाई नहीं हुई, कपड़े नहीं ठीक हुए, बच्चे स्कूल नहीं गए और कोई बीमार पड़ा हुआ है उसको देखने वाला कोई घर के अंदर नहीं है, तो आप एक मिनट के लिए घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आपको घेर के रखेंगे और काम. इसलिए जरूरी है कि जब हम इकोनॉमी का, और जब कहते हैं कि जब हम इस तरह के काम को अगर हम अपने जीडीपी में ऐड करने लगे या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू दें, बहुत सारी रिसर्च हुई है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है, जहां बार बार ये मांग की जा रही है कि जो ये काम है बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी उसके, इसको काम नहीं माना जा रहा, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है काम करने वालों के प्रति, मतलब गृहिणियों के प्रति या जो भी इस काम को घर के अंदर कर रही हैं उनके प्रति. और जो ये विमेन होम मेकर्स हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है. तो सिर्फ ये पैसा जोड़ने की बात नहीं है, ये उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज करने की बात है कि आप जो काम कर रही हैं उसकी बहुत बड़ी कीमत है समाज के अंदर, ये फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी है. तो इसलिए आप लोग बार बार मांग करते आए हैं कि इस काम को निश्चित तौर पर आंका जाना चाहिए, इसकी वैल्यू लगाई जानी चाहिए. इसकी कई सारी ऐसी स्टडीज हुई है, टाइम के हिसाब से देखी गई है कितने घंटे महिलाएं घर में काम करती हैं, कितने घंटे पुरुष बाजार में काम करते हैं, उद्योगों में, कहाँ एक जगह ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें महिलाएं ज्यादा घंटे काम करती हैं लेकिन उनका कोई वैल्यू उस काम की नहीं है. तो होनी चाहिए, हमारी जीडीपी पता नहीं कितनी गुना बढ़ जाएगी अगर हम उसको भी ऐड करेंगे तो. जी जी, जीडीपी में उसको ऐड करना, उसके काम को वैल्यू करना, और वैल्यू के दो मायने होते हैं. वैल्यू का एक मायना वो है जिसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखते हैं, और वैल्यू का दूसरा मायना वो है जिसके लिए, चूंकि ये तमाम इस तरीके के, जैसे ये बात कर रहे हैं कि जो पेड सर्विस भी है, केयर सर्विस, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अच्छी बात है. हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, कि जो हमारा हाउस होल्ड वर्क है अगर आप खुद से नहीं करते, किसी और से करवाना चाहते, तो फिर वहाँ पर आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है और कितनी महंगी वो सर्विसेज वहाँ पर होती हैं. वो सर्विसेज को हम लोग यहाँ, अभी हमारी स्थितियाँ हालात ऐसे हैं कि उस लेवल पर पे करने की हमें ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ये भी जोड़कर चल रहे हैं कि इसको जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, महिलाओं के काम को वैल्यू करेंगे, वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ेगा. यादव साहब, आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि जो घर में महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, जो अभी कर रही हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे घर में,
उनको लाकर वर्कफोर्स में हम जगह दे पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इतना है क्रिएट कर पाएंगे हम फिलहाल जो हमारा पोजीशन है हमारी? या सो थैंक यू मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पुट माय ओपिनियन। जैसे कि आरती जी और अंजना जी ने बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ केयर वर्कर्स, एक है पेड और एक अनपेड है। सो जो पेड हैं वो भी इनफॉर्मल हैं, उनको जैसे घर के साफ करने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, कुक्स हैं, उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो भी इनफॉर्मल में है। और जो जिनको हम कुछ भी नहीं देते हैं, जैसे हमारी वाइफ हुए, हमारी बहनें हुए, माताएं हुए, जो घर के काम करते हैं, देखभाल करते हैं बुजुर्गों का, बच्चों का, उसको स्कूल ले जाना, उसको पढ़ाना, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसके लिए देखिए दो तीन तरह का प्रावधान किया जा सकता है। एक तो अगर हम नीदरलैंड का मॉडल को देखें, जो इस मामले में सबसे पहले नीदरलैंड आया, नीदरलैंड ने क्या किया, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स है जैसे इंडिया में है, उनको बहुत छोटा कुछ पैसे मिलते थे एंड दैट वाज वेरी इनफॉर्मल। इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, दे कॉन्टेक्टेड द स्टाफिंग इंडस्ट्रीज, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, उनको कॉन्टेक्ट किए और ये रेगुलेशंस लाया कि जो कोई भी डोमेस्टिक वर्कर्स को लेना चाहता है घर में, दैट विल बी ऑल रूटेड थ्रू दिस कंपनीज। सो जैसे ही इनके थ्रू रूट करना पड़ा, एक तो उनको मिनिमम वेजेस देना पड़ा, दूसरा उनको जो फ्यूचरिस्टिक जैसे पीएफ हुआ, ईएसआई है, ये भी देना पड़ा। तो ये तो एक गवर्नमेंट जो अनपेड वर्कर्स हैं उनको ये इनको फॉर्मल किया जा सकता है। सेकेंडली जो अनपेड जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो काम करते हैं, हमारे पत्नी जो घर में काम करती है, आज हम चिल्ड्रन अलाउंस देते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंस देते हैं, वेरियस काइंड ऑफ अलाउंस देते हैं। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट जो महिला को इधर बस में फ्री में ले जा रहे हैं या उनको डायरेक्टली पेमेंट दे रहे हैं 1000 का, 500 का, बट आई डोंट थिंक दीज आर द राइट वे। यू नो ये छोटा मोटा जस्ट थोड़ा से लुभाने के लिए पैसे देते हैं, वाई नॉट वी ब्रिंग अ रेगुलेशंस बाई विच वी पे केयर वर्कर्स अलाउंस, यू नो, और उसको हम देख सकते हैं कि हमारे घर अगर आपकी पत्नी घर में काम करती हैं और वो कहीं काम नहीं करती हैं, तो उनको यू नो केयर वर्कर्स अलाउंस के रूप में दिया जा सकता है और वो पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा सकता है। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच फॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है और उनको पैसा दिया जाता है, विच अल्टीमेटली विल एड इनटू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। जी आरती जी, ये बताइए, आप लोगों ने कुछ इसमें सजेशंस भी निकाले हैं, कुछ आपने बताया है चार पांच रास्ते की, इस पे अगर किया जाए तो वो सजेशंस क्या हैं और फिलोसफी क्या है उन सजेशंस के पीछे? देखिए हम एक्चुअली मेजरली मैं ये बोलना चाह रही हूँ, हमारे पास कोई बड़ा बहुत बड़ा सलूशन नहीं है, क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, चाहे हमें उन्हें अलाउंस जैसे अभी बोला गया देना चाहिए या नहीं, ये सब डिस्कशन जरूरी है। आज इंडिया बहुत ही एक यंग देश है, बट जब तक हम 2047 जो विकसित भारत का विजन है वहां तक पहुंचेंगे, तो ये जो आज एक यंग देश है वो एजिंग पॉपुलेशन के आएगा और केयर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में आज से ही बात करें। हमने फिक्की फ्लो ने जो पेपर निकाला है उसमें कुछ सजेशन दी हैं। सबसे पहला सजेशन है कि एक कुछ इनकरेज करें जेंडर न्यूट्रल केयर वर्क की, जो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा वो किया है कि महिलाओं को 26 वीक की मैटरनिटी मिलती है आज, एंड बड़े एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स में तो मिलती ही है, बट क्या होता है जो छोटी कंपनीज हैं वो महिलाओं को लाइबिलिटी जैसा देखने लगती है, क्योंकि उनको ये 26 वीक का पेड लीव देना होता है। क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसे कर सकती है कि इन कंपनीज को थोड़ा सा सब्सिडी दे दे जो मैटरनिटी लीव दे रही है महिलाओं को, या एक जेंडर न्यूट्रल केयर वर्क लीव ऑप्शन बनाए या फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस बनाए। सेकंड है कि हमें बहुत जरूरी है एज अ कंट्री एंड नॉट जस्ट विद पब्लिक सपोर्ट बट आल्सो प्राइवेट सपोर्ट, एनजीओ सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फिकी फ्लो एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, सबका सपोर्ट के साथ एक इन्वेस्टमेंट करें केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। आज पहले हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, और
फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की देखभाल करते थे, बट आजकल जमाना न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहा है. तो अगर मेरे एजेड पेरेंट्स हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होगा और मैं काम करने जाना चाह रही हूँ, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा. तो क्या कुछ ऐसी केयर फैसिलिटीज बन सकती है कि जहाँ आपके एजेड पेरेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर अबाउट ओल्ड एज होम, आई एम टॉकिंग बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज जहाँ वो दिन में रह सकें या जा सकें, अपने जैसे लोगों के साथ मिल सकें, हंस बोल सकें, खेल सकें. तो जरूरी है कि हम ऐसी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएं. एक और बहुत जरूरी सजेशन है स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर केयर वर्कर्स. जो इनफॉर्मैलिटी है, आज मुझे ये अश्योरेंस नहीं है कि जो नर्स आ रहा है घर पे ध्यान रखने के लिए वो ट्रेंड है कि नहीं है. जी जी. तो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स ठीक है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक आइडिया है और ये केयर इकोनॉमी के इर्द गिर्द ये पूरा आइडिया है जिस पर इन लोगों के सजेशंस भी हैं और आने वाले समय में जो होगा उसको एक तरीके से प्री कंसीव करके और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की बात है. ये स्वाभाविक प्रक्रिया में भी ये हो रहा है. लेकिन क्या ये पूरे देश की बात है, पूरे देश में ये चीज़ इसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसी कि हम कल्पना कर रहे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ. फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में. आज हम बात कर रहे हैं कि गृहणियाँ जो घर में काम करती हैं, जिसको हम केयर वर्क कह रहे हैं फॉर्मल तरीके से, तो उसमें क्या इस तरीके के इंटरवेंशन किए जा सकते हैं जिससे महिलाओं का कल्याण हो और वर्कफोर्स बेहतर हो और तमाम तरह की चीज़ें जो कुछ चीज़ें हम वेस्टर्न इकोनॉमी से सीख के भी कह रहे हैं और कुछ अपनी तरीके से भी शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं. रंजना जी, जब हम भारत की बात करते हैं, बहुत ही एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तमाम तरीके के लोग हैं और मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट में कई सारी जो समस्याएं हैं उनकी जड़ में ये माना जा रहा है कि भाई आपने फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया इस अंधाधुंध विकास की दौड़ में, तो ये डर भी लगता है. किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए भारत में? ये प्रॉब्लम तो है, देखिए जो लोग केयर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो गृहणियाँ हो या जो डोमेस्टिक हेल्प हो या इस तरीके के छोटे छोटे काम जो भी महिलाएं कर रही हैं, उनकी स्थिति कुछ जगह आदर्श और अच्छी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर वो परेशानी में है और एम्पावर्ड तो नहीं है. कम से कम अगर उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करना है तो क्या ये लोग जो रास्ता सुझा रहे हैं वो अच्छा नहीं, और आपके हिसाब से सजेशंस क्या होंगे? देखिए जैसा कि आरती जी ने बताए जी, ये सवाल रंजना जी से पूछा मैंने, आपके पास आता हूँ. सर सॉरी सॉरी नहीं कोई बात नहीं. मैं ये जानती हूँ कि देश के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एग्रीकल्चर में और अलग अलग तरह से काम कर रही हैं. तो बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी नहीं है जो कि बिल्कुल गृहिणी का ही काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं और बाजार में भी काम कर रही हैं. उनको कोई ना कोई तरह की उनको रेम्यूनरेशन मिल रही है, चाहे वो डेली वेजेस किसी न किसी तरह से उनको वो कमा रही हैं और बाहर का भी काम करते. तो जो हमारी महिलाएं ज़्यादातर मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं जो कि घर के अंदर सीमित है, तो बाकी महिलाएं जो हमारी गरीब महिलाएं हैं या दलित महिलाएं हैं, हमारी आदिवासी महिलाएं, वो तो काम कर ही रही हैं. उनके उनके काम में कहीं कोई घर का भी काम और बाहर का भी काम दोनों बल्कि तीन तरह का बोझा उठा रही हैं. और जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपर मिडिल क्लास की हैं या वो भी किसी न किसी तरह के काम में लगी हुई हैं. बनता उन लोगों के प्रति ये है जो लोग की सारा समय घर में है, या तो सामाजिक बंधन के कारण उनको घर से बाहर जाके काम करने नहीं दिया जाता है, या फिर उनके अंदर कोई काबिलियत ऐसी वो नहीं पाती है जिनकी वजह से वो कहीं काम कर सकें, तो घर में सीमित हो जाती हैं. तो उस ग्रुप की महिलाओं का सबसे पहले ज़रूरी तो है कि एक असेसमेंट किया जाए. अगर हम कोई स्टडी नहीं करेंगे, कोई बिना जानकारी के एक अंदाजन हम कुछ करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा. और उसके लिए एक तरह से पूरी तरह से स्टडी करके और फिर जो हमारे पास जो ग्रुप बनता है, अभी भी देखिए पार्टियाँ कोई 3,000 अनाउंस कर रहा है औरतों को देंगे, कोई 1,000 अनाउंस कर रहा, आपने खुद ही कहा बस में किराया नहीं लेगा ये वो, तो ये छोटे छोटे इंक्रीमेंटल एक तरह से डोल देने की जगह उसको दे तो रहे हैं, आखिर ये पैसा जाएगा, दिया जाएगा. तो एक प्रॉपर असेसमेंट करके बजट बना करके और फिर इस तरह के काम के लिए महिला गृहिणियों का एक जो गृहिणी या कह दीजिए केयर वर्क रेम्यूनरेशन, केयर वर्क रेम्यूनरेशन तय किया जाए और जो महिलाएं पूरी तरह से केयर वर्क में ही हैं, घर में ही हैं और सीमित ढंग से ही उनका घर का ही काम चलता है, तो वो फिर उनको जब मिलेगा तो फायदा होगा.
फायदा कैसे होगा? बच्चों का न्यूट्रिशन बढ़ेगा, उनकी शिक्षा के लिए उनको पैसा मिलेगा, खुद का उनका न्यूट्रिशन अच्छा होगा और खुद के उनके हेल्थ पे वो खर्च कर पाएंगी। और फिर वो जो पैसा, कभी कभी देखिए अक्सर हम लोग की स्टडी में हम लोगों ने कहा है कि पुरुष कमाता है तो वो अपने मनोरंजन में, अपने ड्रिंकिंग में, यहाँ वहाँ बहुत कुछ खर्चा इस तरह का करता है जो कि परिवार के अंदर नहीं जाता है। तो ये पैसा जो महिला के हाथ में आप देंगे वो परिवार के अंदर जाएगा जी जी। तो फिर परिवार की स्थिति भी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो एक बड़े सोच की जरूरत है, मर्द और औरत की गैर बराबरी को भी ये तोड़ेगा। यादव साहब, इक्वालिटी की बात करते हैं, उधर भी एक कदम है ये। जी जी, यादव साहब आपके क्या सुझाव हैं? पूरी परिदृश्य को आपने देखा समझा अभी, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे आज से आई थिंक 1975 में आंगनवाड़ी स्कीम को लाया गया था, और आज के दिन में अगर देखें तो आंगनवाड़ी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम इन द विलेज एरियाज, और वहाँ पर तकरीबन 10,000 सेंटर्स हैं, और 10,000 सेंटर्स में रफली अराउंड 1.4 मिलियन वोमेन आर वर्किंग। ऑफ कोर्स उनका टाइमिंग जो होता है वो 9 से 1 बजे तक का होता है, 3 घंटे के लिए वो काम करती। तो कुछ ऐसा स्कीम हम सिटीज में भी सोच सकते हैं जहाँ पर कि महिलाएं जो घर में रहती हैं, केयर का देखती हैं, उनका भी कुछ ऐसा 3-4 घंटा टाइम रहता है। एंड जो रिसर्च जो रिसेंटली हुआ उसके हिसाब से रफली 11 से लेकर के 2 या 3 के बीच में उनके पास में टाइम रहता है। इस टाइम में अगर जैसे आंगनवाड़ी स्कीम को लाया गया और इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, और वहां पर करीब 6,500 से 10,000 रुपया दिया जाता है पर महीना, और लोग उससे काफी बेनिफिट हुए, और अगर आज देखें तो विलेज में काफी लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है और उनका जो लाइफ स्टाइल है काफी चेंज हुआ है। अगर ऐसा कुछ हम अर्बन एरिया में भी सोचें उस 3 घंटे या 3.5 घंटे के लिए, उनको कहाँ पर इंगेज करें, वो रिसर्च करके किया जा सकता है कि क्या कितने महिलाएं ऐसे हैं जिसको केयर वर्कर्स है जिसको हम इसमें ला सकते हैं, कहाँ पर ला सकते हैं, क्या काम उनको दे सकते हैं, क्या काम गवर्नमेंट का जिसको जिसमें हम उसको इंगेज करते हैं। तो आई थिंक दिस विल रियली बेनिफिट द सोसाइटी, विल बेनिफिट द केयर वर्कर्स, एंड इट विल एड अप द अमाउंट इनटू जीडीपी। जी, तो जो कुछ हमने यहाँ चर्चा की मूल बात पर, उसका एक समाहार मैं कोशिश करता हूँ। एक तो ये है जो आरती ने बताई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अब अगले 10-20 साल में हम एक एजाइल इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ऐसे लोग हमारे पास होंगे जिनको केयर की ज़रूरत होगी। वैसे भी केयर की ज़रूरत है, अगर आप खुद अपने घर में काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है, इस तरीके से जिंदगी के तमाम अवसरों पर केयर की जरूरत पड़ेगी। सो डिमांड है, केयर इकोनॉमी को विकसित करने की डिमांड है। दूसरी तरफ हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो महिलाएं हैं उनको हम ज़्यादा न्यायपूर्ण स्थिति में कैसे लेके आएंगे, तो उसका ये एक रास्ता बन सकता है। तीसरी बात ये है जो यादव साहब ने कहा कि भाई जैसे आंगनबाड़ी का एक एग्जांपल हमारे सामने है, इस तरीके से हम इस गैप को फिल करने के लिए अगर इस्तेमाल करें उन महिलाओं को जो घर में जो गृहिणी हैं, तो वो सब इस तमाम चीज़ों को मिलाकर हमें एक अच्छा डायरेक्शन मिल सकता है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।